नमस्ते बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा सातवीं विषय हिंदी, हिंदी विषय में हमारा पाठ चार संदेश। बच्चों, पाठ चार संदेश इसका वाचन हम कर चुके हैं। आज हम पाठ चार संदेश पाठ के जो स्वाध्याय है हम वो करेंगे बच्चों, ठीक है। मैंने समझा, आपने इस पाठ से क्या समझा है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। शब्द वाटिका, नए शब्द, प्रमोशन, पदोन्नति, नकलची, नकल करने वाला, मुहावरे, चांदी होना, बड़ा लाभ होना, अंगूठा दिखाना, चिढ़ाना। बच्चों, इसको वाक्य में आप प्रयोग करके लिखिए। स्वयं अध्ययन, अपने मुख्याध्यापक मुख्याध्यापिका को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। बच्चों, आपको छुट्टी चाहिए, समझो आपके भाई की शादी है या बर्थडे पार्टी है, आपको कहीं दूर जाना है, तो आपको अपने मुख्याध्यापक या मुख्याध्यापिका जो भी आपके स्कूल में है उनसे छुट्टी चाहिए, उसके लिए आपको छुट्टी का प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रार्थना पत्र लिखिए छुट्टी के लिए। वाचन जगत से, अंतरजाल पुस्तक से भारतीय डाक सेवा का इतिहास ज्ञात करो। बच्चों, गूगल पे जाइए और वहां पे आप सर्च करिए भारतीय डाक सेवा, भारतीय डाक सेवा का इतिहास, तो उसमें बहुत सारी जानकारी है, वो आपको सब मिल जाएगी। उसमें आपको पुरातन सेवाएं क्या थी वो लिखना है, फिर विकास कैसे हुआ है वो लिखना है, फिर आधुनिक सेवाएं क्या है इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। बच्चों, अध्ययन कौशल्य, भारत के औद्योगिक मानचित्र से ज्ञात करो कि वस्त्रोद्योग की मिले कहाँ कहाँ है, सूची बनाओ। तो बच्चों, आपको वस्त्रोद्योग की मिले कहाँ कहाँ है उसकी सूची बनाना है, कौन से राज्य में है, वस्त्रों के वहां पे प्रकार क्या है और कहाँ कहाँ पे निर्यात किया जाता है, ये सब आपको लिखना है। विचार मंथन, पत्र बोलते हैं भाव के मर्म खोलते हैं, बताओ तो सही। सुवचन, उदाहरणों का संकलन करो और संबंधित आशय बताओ। तो बच्चों, आप सुवचन का संकलन करो, उसे गूगल पे जाके ढूंढो और उसको लिखो। मेरे कलम से, किसी पसंदीदा विषय पर आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। बच्चों, आपको जो भी विषय पसंद है उस विषय से संबंधित आप एक आकर्षक विज्ञापन बनाओ, ठीक है। खोजबीन, प्राचीन काल से वर्तमान समय तक के संदेश वाहकों के नाम ढूंढो और बताओ। बच्चों, प्राचीन काल से लेके वर्तमान काल तक कितने संदेश वाहक के है नाम, उसको आप गूगल पे जाके ढूंढिए और लिखिए। आगे, पाठ के आधार पर शब्द पहेली से पत्र के प्रकार ढूंढो और लिखो। बच्चों, इसमें ये शब्द पहेली है, इसमें से हमें कौन कौन से प्रकार के पत्र होते हैं वो शब्द पहेली से ढूंढकर यहाँ पे लिखना है, तो मैंने आपके लिए लिख दिया है। व्यवसायिक पत्र, निमंत्रण पत्र, आवेदन पत्र, व्यक्तिगत पत्र, फैक्स, ईमेल, सरकारी पत्र, कार्यालयीन पत्र, पारिवारिक पत्र, नियुक्ति पत्र, ठीक है। बच्चों, सदैव ध्यान में रखो, महापुरुषों द्वारा लिखे गए पत्र हमारी साहित्यिक धरोहर है। बच्चों, आप गूगल पे जाके ना बहुत सारे महापुरुषों ने पत्र लिखा है, तो आप उन पत्रों को जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टाइम मिले तो आप जरूर पढ़िए। बच्चों, भाषा की ओर, दिए गए हिंदी मराठी समोच्चारित भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखो। बच्चों, हमें इसमें हिंदी और मराठी के शब्दों के अर्थ लिखना है और उसको वाक्य में प्रयोग करना है, ये देखिए, और दोनों शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके लिखो तथा इसी तरह के अन्य शब्द ढूंढो। तो चलो हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या है, मैल। मैल को हिंदी में गंदगी और मराठी में मील। वाक्य,
मेरे मन में कोई गंदगी नहीं है। मराठी में, मैं आज 4 मील पैदल चला। दूसरा है ओला, ओला का हिंदी में आएगा बिनोरी, मराठी में गीला। ओले पड़ने से फसलें नष्ट हो जाती है। पावसामुळे माझा पोशाख ओला झाला। कल, हिंदी में होता है बीता हुआ कल, मराठी में झुकाओ। कल मैं विद्यालय गया था। माझा कल शिक्षक बनण्याकडे आहे। पाठ, पाठ को पीढ़ा हिंदी में, मराठी में नाली। कुछ लोग पाठ पर बैठकर भोजन करते हैं। पाण्याचे पाठ शेतात वाहताना सुंदर दिसतात। चेष्टा, चेष्टा का हिंदी में कोशिश, मराठी में मस्करी। भारत विकसित राष्ट्र बनने की चेष्टा कर रहा है। मस्करी, मोठ्या माणसांची लहान मुलांनी चेष्टा करू नये। पाल, पाल का हिंदी में अर्थ है फलों को पकाने की विधि, मराठी में छिपकली। आम के फल पाल में रखकर पकाए जाते हैं। पाल घरच्या भित्तीवर अडते। काल, काल को हिंदी में मृत्यु और मराठी में बीता हुआ कल। काल आ जाने पर किसी का भी बचना मुश्किल होता है। काल की शहरात जाऊन आले। पीठ, पीठ का हिंदी में आएगा आसन, मराठी में आटा। व्यास पीठ पर विराज कर महाराज कथा सुनाते हैं। गव्हाचे पीठ पोळी बनवण्यासाठी वापरतात। ठीक है बच्चों, बच्चों मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न उत्तर भी तैयार किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। पर प्रश्न पहला है, मुक्ता के घर किस बात की सूचना का पत्र आया था। हमारा पहला प्रश्न है, मुक्ता के घर किस बात की सूचना का पत्र आया था। तो उसका उत्तर है, मुक्ता के घर उसकी मौसी के लड़के की शादी की सूचना का पत्र आया था। ठीक है, अब हमारा प्रश्न दूसरा है, गुरुजी ने सौम्या को क्या सलाह दी। गुरुजी ने सौम्या से कहा कि वह अपने भाई को, प्रकाशक को, एक शिकायती पत्र लिखने के लिए कहे। वह पत्र में प्रकाशक को पूरी जानकारी दे। हमारा तीसरा प्रश्न है, सौम्या के भाई ने पुस्तकें कैसे मंगवाई थी। तो उसका उत्तर है, सौम्या के भाई ने बहुत सी पुस्तकें वीपी से मंगवाई थी। ठीक है, हमारा चौथा और आखिरी प्रश्न है बच्चों, गुरुजी ने छात्रों को संवाद के माध्यम से कितने पत्रों के विषय में जानकारी दी। तो इसका उत्तर है बच्चों, गुरुजी ने छात्रों को संवाद के माध्यम से व्यक्तिगत पत्र, निमंत्रण पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी पत्र तथा व्यवसायिक पत्र के विषय में जानकारी दी। ठीक है, अब हमारे विरुद्धार्थी शब्द बच्चों, विरुद्धार्थी शब्द मतलब विलोम शब्द, सुखमय दुखमय, उन्नति अवनति, शासकीय अशासकीय, यशस्वी अयशस्वी, शिकायत प्रशंसा। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपको मिले और आप अपनी पढ़ाई कर सको। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम पाठ 5 आलस का सुख इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।